वीडियो आप सभी के आगे प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। देखिए वाड़ा सीनरी टुडे, वाओ परम। तो बहुत ही सुंदर मौसम है और इसमें आज हम एक बहुत ही मैदान टाइप के हैं। ये सभी आम के पेड़ हैं, देख रहे हैं आप। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर मधुबनी ज़िला विशेषकर और इसके आसपास जो कोई लुप्त हुए हैं, कुछ पेड़ जो पहले बहुत ज़्यादा होते थे, कुछ पेड़ लुप्त हो गए। तो आज हम एक ऐसे ही बहुत ही उपयोगी पेड़ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आप उस पेड़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज हम देखिए कुछ यहाँ पर जो है वो अलग अलग प्रकार के पेड़ है और ये कुछ बेल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप तोरी और कुछ बेल है। और साथ साथ यहाँ पर जो है आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पेड़ के बारे में बात करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग बिहार में बहुत ही एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा माना जाता है और यहाँ के लोग काफ़ी कुपोषित माने जाते हैं, पर तो पिछले कुछ समय से जो एक पेड़ लुप्त दिख रहा है जो मैं बहुत आसपास में नहीं देख पा रहा हूँ, तो आज मैं उस पेड़ के पास आ चुका हूँ। तो आप भी उस पेड़ को अच्छी तरह जानते होंगे और वो पेड़ है ये, देखिए। हाँ यस, आपने सही देखा, पपाया, पपीता। पपीता का ये पेड़ है और देखिए उसमें कुछ कच्चे फल भी लगे हुए हैं। आमतौर पर होता क्या है कि पपीता को एक मल्टीविटामिन पेड़ माना गया है और जो है ये इसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, चाहे आप इसे कच्चा खाए चाहे आप इसे पका के खाए, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी है। साथ साथ इसके जो पत्ते हैं ये भी पत्ते बहुत उपयोगी रहे थे। एक समय ऐसा आया था कि महानगर दिल्ली मुंबई में इसके पत्ते ढूंढने से नहीं मिल रहे थे, और पिछले कुछ समय से आप नोट करेंगे कि मधुबनी ज़िला में खासकर ये पेड़ जो है बहुत तेज़ी से नाश हुआ है। इन पेड़ों का शायद कमला माता की जो हमारी कमला नदी या जो भी आपकी कोसी नदी, बलान नदी जो भी बहती है, उसके पानी के कारण जो है ये पेड़ जो है काफ़ी सूखे हैं और इन पेड़ों की जो है मात्रा काफ़ी कम हुई है। तो हम जो है वो आज इस पेड़ के बारे में बात करेंगे। ये पेड़ बनाना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में से पपीता बोल देते हैं, और जो देसी भाषा में जो है इसको कुछ अन्य चीज़ों में भी कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से कहते हैं। और देख सकते हैं आप ये अभी पपीता लगाया हुआ है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, और ये कच्चा पपीता है। इसमें विटामिन बहुत पाया जाता है। जब हम लोग बच्चे थे तो इसको कद्दूकस करके इसमें कुछ अचार टाइप का मिला के बहुत टेस्टी बन जाता था, और वैसे तो जब पक जाता है तो निश्चित रूप से जो कुछ ऐसे शहर है जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उनमें वही चाव से खाया जाता है और एक सैलेड के रूप में इसे लिया जाता है। और साथ साथ रोड के साइड में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन्हें बेच रहे होते हैं, काफ़ी अच्छी कीमतों पर बिकता है। और लेकिन बिहार में ये जो है पहले काफ़ी बहुतायत मात्रा में पाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस पेड़ की जो है वो संख्या बहुत कम होती चली जा रही है। तो निश्चित रूप से जो है जो भी हमारे किसान भाई है बागवानी करते हैं, और निश्चित रूप से पेड़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे ताकि जो कुपोषित है, जो हमारे बिहार के ज़्यादातर जो लोग ये देखिए कुपोषित है, उन्हें निश्चित रूप से इसे बेनिफिट मिलेगा। और मेरी एक गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पपीते की खेती भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, कुछ लोग पपीते की खेती भी करते हैं। एक महंगा फल है और बिहार में तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है क्योंकि बाढ़ वाला क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए पेड़ लग जाता है। आजकल जड़ें इसकी ज़्यादा सूखती जा रही है। तो आज हमने इस पपीते के पेड़ के बारे में बताया, और इसका पत्ता दिख रहे हो आप बहुत उपयोगी है। कुछ बीमारियों में इसका पत्ता भी जो है, कहते हैं इसके पत्ते में बहुत कुछ पाया जाता है दवाई, औषधि रूप से, कुछ आयुर्वेदिक रूप से इसके पत्ते को बहुत उपयोगी माना जाता है। और इसका पत्ता भी काफ़ी उपयोगी है, नए नए फूल लग रहे हैं इसमें और शायद विकसित होगा भी। अभी कच्चा है तो कुछ दिनों में निश्चित रूप से ये डेवलप हो जाएगा, जब पक जाएगा तो निश्चित ही बहुत सारे लोगों के काम आएगा। और निश्चित रूप से जो है वो इसके अलावा भी जो है बहुत चीज़ें अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। इसके साथ जो है वो चलते हैं अगले वीडियो, फिर मिलेंगे। मैं विष्णु सिंह, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए पौधे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।